ये क्या लगा रखा है, शादी शादी शादी, सब पागल हो गए। हाँ मुझे सब पता है भाई। तुझे कुछ नहीं पता है, ये 28 साल से पहले शादी का फंडा, ये टेंशन, ये सब। हाँ लेकिन मेरी लाइफ में इस टेंशन को आने को टाइम है। ओ, रिलैक्स ब्रो। अच्छा मुझे ये बता कि तेरे और लावण्या के बीच में वो कुछ नहीं है। ओके तो अब तुझे वो नई वाली चिक पसंद आई, इसका मतलब तुझे वो चाहिए। तुझे लगता है कि वो लावण्या से ज्यादा हॉटी, ज्यादा प्रिटी, क्या नाम है उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चिक नहीं, लड़की है। एंड सेकंडली तेरी बातों से लग रहा है कि वो तुझे हॉटी प्रिटी लगती है। ओह गॉड ब्रो, लाइक सीरियसली तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई सिंगल? सिंगल ऑफ कोर्स, बिकॉज़ पिछले 10 मिनट से तूने अपने फोन की तरफ देखा भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? तेरा डायना के साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब ये डायना कहां से बीच में आ गए? हम तो वो चिक, आई मीन लड़की के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है उसका? व्हाटएवर, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार भाई तू इतना टेंशन मत ले यार, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा? तू बस मुझे बता कि मुझे क्या करना है। उस हॉटी ब्यूटी लड़की को मुझसे दूर करना है, कर सकता है? बस इतनी सी बात? आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तूने मुझे बोला और मैं ना कर पाया? बहुत बार। लिस्ट बना कर दूं? ओके नो यू वरी नॉट, ये तो मेरे लिए एकदम छोटा सा काम है। और तू डर मत, क्योंकि मैं हूं ना शेर दिल शेर गिल, तेरे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मेरे भाई। गिव मी हाई फाइव। चुपचाप क्यों खड़ी हो? बोलो अब तुम्हें क्या बोलना है मिसूद? वो मैं आपको देखने आई थी कि आप देखने आई? देखो श्योर, पहले मेरे उस क्रेजी कजन शिखर ने अपने स्टूपिड सवालों से मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद मेरी इमोशनल मॉम एक दिन पहले कहती है कि 28 के होने वाले हो, लावण्या से शादी कर लो, और अगले दिन कहती है कि लावण्या से शादी मत करो, स्टूपिड डी से शादी कर लो। आप नहीं करेंगे ना? तुम यही पूछने आई हो? नहीं I mean, मुझे नहीं लगता आपको उससे शादी करनी चाहिए। तो लावण्या से कर लो। So, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुमने पहले बता दिया कि ये करो और ये मत करो। जवाब दो, लावण्या से शादी कर लो। So, वो मैं कैसे? समझ लो तुम्हारे सर पे गन रखी है और तुम्हारी जॉब भी इसी जवाब पर डिपेंड करती है। जवाब दो, लावण्या से शादी करूं या नहीं? आपको तो उनसे भी कोई अच्छा? उनसे भी अच्छी, तुम जैसी अच्छी। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था? देखा था मैंने, जैसे ही पंडित ने मीन राशि वाली लड़की के बारे में पूछा, तुमने ऑन द स्पॉट अपना हाथ ऊपर कर दिया था। अब झूठ मत बोलना, सच सच बोल दो मिस सूद। अब दो सवाल उठते हैं, तुमने हाथ ऊपर क्यों किया और तुमने हाथ नीचे क्यों किया? वो मैं मीन राशि है तुम्हारी? नहीं मैं नहीं बता सकती, पता नहीं। अपनी राशि नहीं पता? हाँ नहीं पता। तो फिर हाथ क्यों उठाया? वो मैं तो मीन राशि बोलकर मुझसे शादी करना चाहती थी। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गई थी और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं मैंने। मैं बताता हूँ तुमने क्या सोचा था मिसूद, शायद तुम यही कहना चाहती थी कि तुम मीन राशि की हो इसलिए तुमने हाथ खड़ा किया, लेकिन तुम डर गई थी और तुमने हाथ नीचे कर लिया। अब यहाँ मुझसे ये कहने आई हो कि डी से शादी मत करो और लावण्या से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि मैं लावण्या से शादी करूँ या नहीं। लेकिन मैंने डी के बारे में नहीं पूछा था, उसके बारे में तुमने खुद कहा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। ओ, तुम्हें लगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे तब लगा था जब वो नकली मिस्टर रंधावा आया था और मैंने आपकी कंपनी बचाई थी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने कहा कि डी से शादी मत करो, पंडित ने और अब मेरी मॉम ने भी कह दिया कि लावण्या से शादी मत करो। इन दोनों को छोड़कर तीसरा बचा कौन? किससे शादी करो? सर प्लीज मुझे मुझे मत पूछिए, मुझे ये सारी बातें मत कीजिए। तुम्हें बाली में जॉब इंटरव्यू पे बुलाया, तुम्हारी जान बचाई, एक बार नहीं बार बार बचाई, और तुम्हारी झुमकी हर बार घूम फिर के मेरे कोट की पॉकेट में आ जाती है। इतने सारे कॉइंसिडेंस में सुन, कहीं ऐसा तो नहीं इन आंखों में बड़े सपने आ गए हैं और इस दिल में कोई बिजनेस टाइकून जिसे तुम अपने घुटनों पर लाना चाहती हो? एक सिंड्रेला प्रिंस, विल यू मैरी मी? नहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया मसूद?
मुझे आपसे प्यार हो ही नहीं सकता। मुझे आप वैसे नहीं लगते, आई मीन मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मुझे आप बेदिल शेर के लगते।